फ्रेंड, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में। आज हम बात करने जा रहे हैं माइन रेस्क्यू रूल के बारे में 1985। तो कुछ चीज़ों में दिक्कत है तो मैं पूरी चीज़ों को इकट्ठे लेके आ गया हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू किया जाता है। माइन रेस्क्यू रूल 1985। सबसे पहला है रेस्क्यू स्टेशन का फंक्शन कितने साल का होगा? 3 ईयर का होगा। अब बात कर लेते हैं कि रेस्क्यू स्टेशन में कौन कौन रहता है, ठीक है, किसको किसको अपॉइंट किया जाता है। तो पहला एक एक सुपरिटेंडेंट रहेगा, 2 इंस्ट्रक्टर रहेंगे और तीसरा रेस्क्यू ब्रिगेड टीम रहेगी जिसमें नॉट लेस देन 80 मेंबर रहेंगे। तो ये 3 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट है माइन रेस्क्यू रूल से ज्वाइनिंग और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सुपरिटेंडेंट किसको देगा? तो 7 दिन पहले देगा, इन्फॉर्म करेगा चीफ इंस्पेक्टर को। कौन से फॉर्म में देगा? तो फॉर्म फर्स्ट में देगा। फिर अगला अपना इंपॉर्टेंट है इससे, एक्सीडेंट होने पर माइन सुपरिटेंडेंट नोटिस देगा चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर दोनों को, ठीक है। किस फॉर्म में देगा? तो फॉर्म 2 में देगा। अब माइन रेस्क्यू रूल से इंपॉर्टेंट शेड्यूल है उसके बारे में आप ध्यान से सुन लें। तो इसका फर्स्ट शेड्यूल बताता है रेस्क्यू स्टेशन इक्विपमेंट, सेकंड शेड्यूल बताता है रेस्क्यू रूम इक्विपमेंट, थर्ड शेड्यूल बताता है सरफेस पर रेस्क्यू अपर्चर रखना और फोर्थ शेड्यूल बताता है ऑल ब्रेथिंग अपर्चर प्योरिटी टेस्ट। तो 4 शेड्यूल है आपके रेस्क्यू रूल में। चलिए अब बारी बारी से बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होगा सुपरिटेंडेंट का, ट्रेनर का और रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ सुपरिटेंडेंट। तो सुपरिटेंडेंट को 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड में, पहली बात। दूसरा, उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड। और तीसरी बात होगी ही शैल बी द रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, और क्या होना चाहिए? एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए। अगली बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनर, ट्रेनर का क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड में और उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकेंड क्लास हो। अगली बात कर लेते हैं अपनी तीसरी, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन के बारे में, ठीक है। तो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन को कौन सेलेक्ट करता है? तो सुपरिटेंडेंट, ठीक है। अब रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का कार्यकाल कितना रहेगा? तो नॉट लेस देन 1, मतलब 1 साल से कम नहीं, और नॉट मोर देन 5, 5 साल से ज्यादा नहीं, मतलब 1 और 5 साल के बीच में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज टर्म्स है रेस्क्यू को लेके जो कि आप लोग को बताना जरूरी था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन दूर रहेगा। मैं बारी बारी से बता देता हूँ, कोल माइन रेगुलेशन कब बना? 27 नवंबर 2017 को, ठीक है। अगला अपना क्या है, माइन एक्ट कब बना? 1 जुलाई 1952 को। माइन रूल कब बना? 2 जुलाई 1955 को। क्रंच रूल कब बना? 1 अप्रैल 1966 को। रेस्क्यू रूल कब बना? 2 अप्रैल 1985 को, ठीक है। MVTR कंबाइंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल कब बना? 22 मार्च 1966 को। और सिया कब बना? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी है ना अथॉरिटी, सिया कब बना? 24 ये भी एक रेगुलेशन है सिया भी, 24 सितंबर 2010 को। तो ये डेट आप याद रखेंगे जो कि हर पेपर में पूछी जाती है। तो चलिए ठीक है, चैनल को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि ऐसे ही आप और वीडियो लेके आते रहें और ज़्यादा आपको टाइम ना गंवाना पड़े। उसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं जो कि हर पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि पहला है अपना कि फर्स्ट टाइम माइन एक्ट कब बना, ठीक है। तो 1901 में, ठीक है। DGMS पहली बार कब आया, कब बना? तो 1 मई 1967 को, ठीक है। फर्स्ट प्रपोजल रेगुलेशन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन इंडिया, पहला प्रपोजल माइन रेगुलेशन इंडिया, ठीक है, कब बना? 1889 को। फिर अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट कमेटी वॉज अपॉइंटेड, फर्स्ट कमेटी कब अपॉइंट की गई, कौन से ईयर में? तो 1895 में। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर एक्ट वॉज पास विच एस्टेब्लिश 8 आवर अनलीगल वर्क, मतलब 8 घंटे लीगल वर्क है, ये एक्ट कब पास हुआ पहली बार? तो 1866 में, 1866 में। तो ये 5 डेट आप जरूर याद रखेंगे जो कि आपके पेपर में जरूर आ सकती है। तो चलिए, थैंक यू चैनल मेरे वीडियो को देखने के लिए।